गाइस गांव में बाघ लग गया, फुल हल्ला हो रहा है। उठेली कूली छोरा हमें क्या था बोलो विधेयक गाइस यहाँ कुत्ता था शेर है वो चला गया यार क्या करें। गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुके एक नए दिन की शुरुआत और आज का दिन आप देख सकते हो मतलब अक्टूबर में भी फुल बारिश लगी पड़ी है। इस टाइम तो रुक गई है, पहले तो सितंबर तक की बारिश होती थी लेकिन अब तो ऐसा सीन हो गया है, मौसम बड़ा बेमान हो रहा है, पूरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ये देख सकते हो मैंने दाल रखी हुई थी, कुछ दाल तो ठीक है लेकिन कुछ ऐसी खराब हो गई है और कुछ और दाल हम नीचे ले आए हैं, तो अभी मेरा काम उसी का है। मैं आपको पहले वेदर दिखा देता हूँ पीछे से कितना जबरदस्त हो रहा है, ये देखो यार, और थोड़ा टाइम लैप्स भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो मैं अभी अपनी छत से नीचे आ चुका हूँ, अभी आपने मौसम देखा होगा बिल्कुल धुंध लगा था लेकिन इस टाइम बिल्कुल क्लियर हो गया आप देखो। बट ऐसे क्लियर होने से भी कुछ फायदा नहीं है, नीचे देख सकते हो आप बिल्कुल यहाँ पे गीला हो गया है और हमारा जंगूरा तो पूरा हो गया था, जंगूरे का काम अभी हमारे पास कोदे का काम बचा हुआ था मंडुवे का, बट वो हमने ऐसे ही रखा हुआ है। और इस टाइम जो मैं काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ दाल का, सारी चीज़ें होती है हमारे यहाँ, मैं दिखाता हूँ आपको दाल, ये देखो। तो मेरा काम है ये जो है ना, ये देखो ये सब अलग करके एक जगह पे इकट्ठा करने हैं और इतनी सारी दाल है, तो बस थोड़ी देर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इसको जो बचेगा ना ये दाल निकालने के बाद उसको भैंस के पास देंगे। पीछे मेरे आप आवाज़ सुनोगे बिल्कुल निन्यारे की आवाज़ है ये। तो गाइस थोड़ी देर तक ये दाल वाला काम निपटाते हैं और मेरे साथ इस टाइम बैठ रखा है शेरा, तो आराम से यार टाइम पास करते करते निकालते हैं फटाफट। ये देखो ऐसे करना होता है, कुछ तो ये यहाँ पे कर दिया है, कुछ अभी मैं जमा करता हूँ, ये मम्मी ने कर रखा है, कुछ हमने कल रात किया था यहाँ पे। इसने उधर एक कुत्ता देख लिया, उसके लिए परेशान हो रहा है कि कब छोड़ेगा ये मुझे, चल जा जा। अब देखो इसकी स्पीड देखो तुम, कुत्ता है वो उधर, मैं दिखाता हूँ आपको ये देखो। लगभग एक दो घंटे बैठने के बाद मैंने सारा काम निपटा दिया इधर का, ये देखो ये सारा कूड़ा बन चुका है और ये देखो काफी सारी दाल छान रखी है मैंने, कुछ तो ये थी और अब ये सारा भैंस के पास देना है, बस ये निपटाना रह गया है तो इसको बाद में निपटाता हूँ, पहले गौशाला का काम करता हूँ। अब तो दिन के लगभग 11 बज चुके हैं और धूप भी आ चुकी है, हल्की हल्की खिली धूप, लेकिन अब ये धूप बेकार ही लग रही है। मैं जैकेट पहन के तैयार हो गया था क्योंकि जब अभी मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ खेत में तो वहाँ से सामान लाना होता है, तो वो यहाँ बड़ा भयंकर चुभता है यार। तो अब साक्षी भी आने वाली होगी, वो घास के लिए जा रखी थी तो वो खाना बनाएगी और मैं मम्मी के साथ खेत से कुछ सामान लेके आऊँगा। तो गाइस अभी गाँव की सार में पहुँचा ही था कि मम्मी देख रहे हो आती हुई दिख रही है, तो मैंने सोचा यार अब मम्मी ला रही है तो क्या ले जाना, बट यहाँ से ले जाता हूँ मैं आगे के लिए। और ये देखो कितना भारी है यार, क्या है इस पर, देखो दाल है इस पे पूरी, एक दाल मैंने अभी छांटी, मतलब दालों की कमी नहीं है यार यहाँ पे, और बहुत महंगी जाती है ये वाली दाल, आपको पता है ऑर्गेनिक जो यहाँ के लोकल टीचर लोग हैं ना वो लोग खरीदते हैं यहाँ पे, तो बहुत महंगी 200-300 रुपए किलो, और नॉर्मल दाल आपने देखी हाई बेकार दाल रहती है यार, वो 2-4 महीने रखो तो तुरंत खराब हो जाती है, 1 महीने में ही। थोड़ा अभी भारे को बिसा रहे हैं यहाँ पे और मैं इधर के आपको पूरे खेत दिखाता हूँ, आप ये देखो पूरे खाली हो चुके हैं, कोदा जंगोरा साटी सब लोग घर ले चुके हैं धान को, अब यहाँ हल लगाने का समय आ गया है और इसमें गेहूं बोएंगे, इसके बाद फिर इसको 5-6 महीने बाद फिर काटेंगे। और ये देखो मम्मी की भी हालत ख़राब हो गई है और इसके बाद मम्मी ने जाना है घास के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको काम कर करके, थकान हो गई है, घास लेने जाना है। ये देखो तिल भी ला रखे हैं मम्मी के, तो अभी मैं इस दाल को लेकर चलता हूँ, एक तरफ की दाल मैंने छांट दी, अगर टाइम रहा तो इसको भी छांटूंगा, और मेरा स्कूल में भी कुछ काम है तो पहले स्कूल जाऊंगा, रेडी हो चुका हूँ स्कूल में जाने के लिए, कुछ काम है साक्षी से रिलेटेड वो वाला काम करना है, तो साक्षी तो जा नहीं रही, मैंने ही जाना है, ये जो भी है आपको आके बताऊंगा कि क्या काम हुआ। फिर उसके बाद मैंने प्रधान के पास जाना है, गाँव के प्रधान थोड़ा दूर है 1-2 किलोमीटर, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे, और आज मम्मी खाना बनाएंगी, वैसे डेली मैं ही बनाता हूँ दिन का खाना।
गाइस अभी अपने पुराने स्कूल में पहुंच चुका हूं जहां 12 पास किया था। काम तो हो चुका है, जनधन योजना पता नहीं क्या सिस्टम था, इस टाइम स्कूल का इंटरवल हो रखा है। मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देता हूं। तो ये है अपना स्कूल, ये वाला जबरदस्त वाला, और इसके बारे में बहुत बातें बतानी है यार, वो अलग डिटेल वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अभी चलते हैं यार, मेरे को काफी लेट हो रही है। अब तो बारिश हो रही है, हमने सोचा अंदर का ही काम निपटा लेते हैं, घर का। आजकल बहुत दिनों से बारिश ही चल रही है। आप ये देखो हमारी धान ऐसी रखी हुई है, कुछ धान तो हमने अंदर रख दी लेकिन बारिश के कारण, डेली बारिश होने के कारण ये वाली धान ऐसी रह गई है हमारी। और इधर देखो आप, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, इतना बड़ा कद्दू देखा आपने, ये देखो। और यहाँ पे मम्मी कर रही है पंखे पे पैंट, इन पे क्या बोलते हैं, इनकी साइड पत्तियों पे। और इसके अलावा इस पंखे पे भी करना है। अभी जाना है मैंने ग्राम प्रधान के पास। तो ग्राम प्रधान का घर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी फैला हुआ गाँव है हमारा। लोग कहते हैं ना हमारा फैला हुआ बिजनेस है, तो अपना गाँव काफ़ी फैला हुआ है, तो बहुत दूर जाना है मैंने। और अभी ये देखो मेरे हाथ पे साक्षी का आधार कार्ड, देखो पूरी भूतनी लग रही होगी। तो अभी ऐसा है ना कि 12 पास के बाद कुछ पैसे वैसे मिलते हैं लड़कियों को स्कूल से प्रधानमंत्री योजना द्वारा, तो उस विषय में जाना है, पता नहीं क्या लेने जाना है, तो वो तो इसी से पूछेंगे। क्या लेके जाना है? आधार कार्ड लेके जाना है, और जो 12 पास के बाद गौरा कन्यादान योजना का एक फॉर्म मिलता है उसमें 50,000 मिलते हैं, तो उस फॉर्म के लिए बहुत सारे कागज चाहिए होते हैं, तो इसी के लिए प्रधान के पास जाना है। फिर वो एक पेपर भर के देंगी, और वो भी उसी पे लगेगा, अविवाहित का पेपर देंगी। अच्छा, मतलब अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब शादी नहीं होनी चाहिए, तो वो वाला प्रमाण पत्र आता है, वो प्रधान के पास ही मिलता है। और यहाँ पे मम्मी चाय पी रही हैं। क्यों बताओ क्या किया तुमने अभी तक? देखो पहले लोग अपने बेटों से पूछते थे, अब हम पूछ रहे हैं क्या किया तुमने। ये देखो उधर का कलर मैंने किया, इस वाले पे मम्मी ने किया, अंदर वाले पे तो मैंने बहुत पहले कर दिया था। तो अभी चलते हैं यार, वहाँ काफ़ी दूर जाना है मेरे को, तो अभी गाड़ी बाइक तो है नहीं, कभी हमारे भी दिन आएंगे तो ले लेंगे, बट अभी पैदल ही जाना है। वैसे तो मैं इसको भी भेजता लेकिन इसने भी घास के लिए जाना है, तो इसकी अलग जिम्मेदारी है और मेरी अलग जिम्मेदारी है, निभानी तो पड़ेगी ना, गाँव में है तो। मज़े तो मम्मी के हैं यार, टन बैठे हैं रोना तो मम लोड़ा हुएगी कन वाला, आप देखो तुम कौ जाना था देखे ना है, हम वो तैयार कर लेंगे, तू घास हो जा तो हो जा, आप बैठे आ रहा है। तो यार लाइफ हो तो ऐसी हो यार ना, हम जैसे लड़के होंगे तो क्या नहीं होगा। अभी मैं हूँ अपने गांव के मिडिल पॉइंट में, आप देख सकते हो जहाँ मुझे जाना है वो ये जगह है। तो मतलब इतनी दूर हमारा इस साइड गाँव फैला हुआ है, इतनी दूर इधर फैला हुआ है, तो आप देखो यार यहाँ जाना है, ये रास्ता यहाँ से पैदल होते हुए जाता है। ले ले कुत्ता पता नहीं किसका है, तो ये समझ लो 2 किलोमीटर अभी भी बचा है मेरे लिए, अब चलते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों जब किस्मत अच्छी हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और इस टाइम देखो यहाँ पे मेरे मामा मिल चुके हैं हमको, युद्ध मामा बोलता हूँ मैं इनको। और ये अभी जा रहे थे कहाँ से, तिलवाड़ा से आ रहे थे, तो ये छोड़ेंगे अभी मेरे को वहाँ तक, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी शर्मा रहे हैं, ये वीडियो में नहीं आते हैं ज़्यादा ना, चलते हैं इनकी बाइक में। ये देखो ये पीछे मेरे दोस्त भी हैं। अभी अपना काम भी हो चुका है, आप ये देख सकते हो, मतलब हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था तो उन्होंने बना के रख दिया था, कभी भी वो मतलब प्रधान लोग हैं तो ये बिज़ी रहते हैं यार अपने कामों में ना, पहले ही फ़ोन करके मैंने ये बनवा दिया था। अभी आया और सीधे लेके सीधे निकलना है, उस टाइम तो मुझे लिफ्ट मिल गई थी बट इस टाइम नहीं मिलने वाली, क्योंकि काफ़ी अंधेरा होने वाला है, धीरे धीरे शाम हो चुकी है, तो मैंने वहाँ जाना है। आप इस टाइम नज़ारा देखो यार बादल का, मैंने जाना है वहाँ, ये देखो उस दर। तो चलते हैं आप धीरे धीरे माटू आराम से, देखते हैं कब तक पहुंचा जाता है। जब भी मैं इधर आता हूं तो यहां से चाउमीन ज़रूर लेके जाता हूं, क्योंकि यहां का टेस्ट ही अलग होता है। अपने गांव वाला भी सही बनाता है लेकिन होता है ना डिफरेंट टेस्ट करना सही लगता है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे हमारे ताऊ लोग बना रहे हैं, बना के तब निकलते हैं, और अकेले मैं कभी खाता नहीं, फैमिली के साथ ही खाते हैं, तो वहीं पर लेके अभी पैक करके ले जा रहा हूँ। घर पहुँचते काफ़ी शाम हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट रात ही पड़ गई है, लेकिन अब जल्दी रात होने बैठ गई है, 6:30-7 बजे ही। और ये देखो यहाँ पे साक्षी भी आग जला रही है, रोटी बनाने की तैयारी करते हैं, रोटी हम बाहरी पे बनाते हैं, सब्जी अंदर बना लेते हैं। गाइस गांव में बाग लग गया, फुल हल्ला हो रहा है, उठेली कूली शोरा विधेयक सब गाइस यहाँ कुत्ता था शेर है वो चला गया यार, क्या करें। दे 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 कुत्ता ले दियो,
देखो इधर कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, सारे ले गया, सबके सामने एक साथ ले गया। गाइस बाघ का इतना प्रकोप है कि सीधे घर पे आके उठा के ले जा रहा है यार, क्या कर सकते हैं। मतलब इतने सारे कुत्ते, कितने कुत्ते ले गया इस गांव से। अब मतलब कुत्ता पालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है यार गांव में, और इस वजह से घर वाले कुत्ता लाने भी नहीं देते। हमारे नीचे पे जो भैया रहते हैं उनके यहाँ पे अगर कोई भी कुत्ता आता है तो उनको भाग ले जाता है। हमारे यहाँ पे भी रात को हम रखते नहीं है यार, बहुत डर लगती है यार इस वजह से। हमारे घर थोड़ा इधर कोने कोने में तो यहाँ पे 24 घंटे भाग रहता है रात के टाइम, क्योंकि हम लोगों ने आसपास के जितने भी 5-6 परिवार हैं सबने अपने अपने कुत्ते पाल रखे हैं, और बाघ के डर की वजह से अब सबको डर लग रही है कि क्यों पाले होंगे हमने। हमारे यहाँ छोड़ के सबके छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तो उनको डर तो लगेगा ही यार, क्योंकि बाघ जब एक बार आ जाता है उसको आदत पड़ जाती है, वो किसी को छोड़ता है नहीं।